Hello everyone. Good evening. Good evening, bhai. क्या मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली ना रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया था, है ना। आज मेरा 11th में क्लास नहीं था, ठीक है, तो बाद में रूटीन चेंज हो गया इसीलिए, ठीक है, है ना। नहीं तो जानते हो मैं टाइम पर आता हूँ, है ना। क्या ठीक है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके चलो, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। क्वेश्चन लिखना, तो क्वेश्चन लिखना कि फॉर द रिएक्शन at 298 Kelvin, 2A plus B से C बन रहा है, डेल्टा एच 400 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस एंड डेल्टा एस इक्वल टू 0.2 किलो जूल पर मोल, फिर लिखना एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम इंस्पॉन्टेनियस, विल द रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और कह रहा है कि कंसिडरिंग द डेल्टा एच एंड डेल्टा एस टू बी कॉन्स्टेंट ओवर the temperature range, over the temperature range, ठीक है। मिस की डेल्टा एच और डेल्टा एस चेंज नहीं होगा टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से,
ये कह रहा है, तो आपको कह रहा है किस टेम्परेचर पर जो है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, हो गया, नोट कर लिया। तो देखो भाई, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए, टू बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, टू बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए भाई, डेल्टा जी का वैल्यू ये निगेटिव होना चाहिए, है ना, ठीक है। ठीक है, तो देखो मीन्स के डेल्टा जी क्या होना चाहिए भाई, तो डेल्टा जी इज लेसर देन डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो डेल्टा जी लेसर देन होना चाहिए, मींस कि आप इसको इधर करते हो तो टी टी डेल्टा एस इज लेसर देन डेल्टा एच, ये होना चाहिए। और टेम्परेचर पूछ रहा है तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लेसर होना चाहिए किससे भाई, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक बार और कराया था, शायद यही क्वेश्चन कराया था क्या, मुझे याद नहीं है ना। तो टी लेसर देन होना चाहिए डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ठीक है, समझ रहे हो सब लोग। ठीक है, तो टी इज लेसर देन डेल्टा एच का वैल्यू कितना भाई, तो डेल्टा एच का वैल्यू है 400 किलो जूल पर मोल, 400 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस का वैल्यू कितना है, तो डेल्टा एस का वैल्यू है 0.2 किलो जूल, 0.2 किलो जूल पर मोल, है ना, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, टी लेसर देन 2000 केल्विन, ये होना चाहिए। मीन्स कि इससे कम टेम्परेचर पर जो है ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा,
सही है भाई, ठीक है। ग्रेटर नहीं होगा भाई, ग्रेटर कैसे होगा। ठीक है, मैं बोल दूंगा राहुल जी को, है ना, राहुल जी को मैं बोल दूंगा, अपलोड कर देंगे। ठीक है, एक्चुअली ना कुलदीप, हाँ एक्चुअली कुलदीप सर को जो है ना वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए है ना, इसलिए रूटीन चेंज हो गया अचानक, है ना। और कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि मंडे को मेरा क्लास नहीं होता 11th में। ठीक है, चलो, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा सा मुझे भी फीवर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना कि फॉर द रिएक्शन टू ए प्लस बी गैस प्लस बी सी गैस सी टू सी, ठीक है, गैस डेल्टा ई फॉर द रिएक्शन, डेल्टा ई -10.5 किलो जूल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल, एंड डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा -44.1 किलो जूल। ठीक है, किलो जूल, जूल नहीं, नहीं ये किलो जूल नहीं भाई, ये जूल पर केल्विन है ना, जूल पर केल्विन। ठीक है, अब कह रहा है कि कैलकुलेट डेल्टा जी, कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन एंड प्रिडिक्ट विदाउट द रिएक्शन मे अकर स्पॉन्टेनियसली, एंड प्रिडिक्ट रिएक्शन में अकर स्पॉन टेनियसली। ओके तो यहाँ जो है भाई एक चीज मैंने, यहाँ डेल्टा ई स्टैंडर्ड चेंज इन एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी दिया हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ डेल्टा जी आप स्टैंडर्ड निकालोगे, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो डेल्टा एच -T डेल्टा एस नॉट नॉट, है ना, स्टैंडर्ड स्टेट में कह रहा है कैलकुलेट करने, तो बहुत इजी है भाई। डेल्टा एच टी, डेल्टा एस का वैल्यू दिया ही है, डेल्टा एस का वैल्यू दिया ही है, टी का वैल्यू यहाँ कितना रखोगे, टी का वैल्यू कितना रखोगे, यहाँ ये किलो जूल में है, इसको जूल में चेंज कर दो तो 10.5 × 10 to the power 3 जूल हो जाएगा, क्योंकि ये जूल में है।
हाँ भाई बताओ टेम्परेचर कितना लोगे? अच्छा सारे के सारे वैल्यू स्टैंडर्ड स्टेट में दिया हुआ है। अच्छा नहीं ग्रेटर देन नहीं होगा भाई, लेसर देन होगा। ठीक है ठीक लेसर देन होगा नकोल टेम्परेचर। ठीक है तो अब देखो यहाँ टेम्परेचर आपको क्या लेना है, तो 273 लेना है। ठीक है टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ डेल्टा ई नॉट का वैल्यू दिया है। नॉट मीन्स क्या, स्टैंडर्ड स्टेट में। डेल्टा एस का भी वैल्यू जो है स्टैंडर्ड स्टेट में दिया हुआ है। डेल्टा जी भी आपको स्टैंडर्ड स्टेट में ही निकालना होगा है ना, इसलिए टी का जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है भाई, तो 273 जो है केल्विन होता है, तो ये वैल्यू आपको लेना है। चलो तो डेल्टा एच हो गया -10.5, माइनस में ही है ना भाई, हाँ माइनस में है। ठीक है इंटू 10^3 -T273 इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस कितना है तो भाई -44.1 जूल पर केल्विन है ना। ये तो देखो कितना आता है वैल्यू, आप मुझे बताओ वैल्यू कितना आएगा। वैल्यू से पता चलेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर नेगेटिव में वैल्यू आता है तो स्पॉन्टेनियस होगा, अगर पॉजिटिव में वैल्यू होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। आप मुझे बताओ कैलकुलेशन करके। कितना आया भाई, माइनस में तो नहीं आएगा अदिति, माइनस में तो नहीं आएगा भाई, प्लस में आएगा। कैलकुलेशन ठीक से करो अदिति, कैलकुलेशन ठीक से करो। इसका जो वैल्यू आएगा +164 किलो है ना, एक मिनट मैं बता रहा हूं आपको आंसर। इसका आएगा 0.164 किलो जूल है ना, इतना आएगा। ठीक है आप चेक कर लो।
तो वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए रिएक्शन क्या होगा भाई? तो रिएक्शन जो है विल बी स्पॉन्टेनियस, सॉरी नॉन स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव आया तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, ओके। ठीक है, हो गया? किसी को कोई डाउट है? तो आप चेक कर लेना, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज टेन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10 दिया है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट? व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट? ठीक है, आर का वैल्यू आप जानते हो 8.314 होता है। ठीक है, और यहां टेम्परेचर दे दिया है 300 केल्विन। स्टैंडर्ड स्टेट में जो है 273 केल्विन होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बट ये दे दिया है 300 केल्विन। तो जो दिया है उसको लेना है आपको, है ना? हो गया? तो देखो डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच क्या रिलेशन है भाई? तो डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 आरटी और लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। यही फॉर्मूला होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो तो डेल्टा जी इक्वल टू हो गया कितना भाई? तो 2.303 आर हो गया 8.314 इंटू टेम्परेचर, यहाँ 300 केल्विन मेंशन किया हुआ है, और लॉग बेस 10 ये 10। ठीक है, बस इतना ही है। तो ये हो गया -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 केल्विन, और लॉग बेस 10 का वैल्यू कितना होता है भाई? 1 होता है। आप कैलकुलेशन करके देखो कितना आता है, जो भी आएगा माइनस में आएगा। यहाँ वैल्यू जो है मिस आंसर जो है माइनस में आएगा, मिस माइनस में आएगा तो रिएक्शन क्या होगा भाई? तो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा।
है ना। तो आप देखो कितना आता है वैल्यू, डेल्टा जी नॉट निकालना है भाई, डेल्टा जी नॉट निकालना है, ठीक है। ओके, -5.7 44 किलो जूल हो जाएगा भाई पर मोल, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई। कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 60 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम इज 24 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करो, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया है, और खुद करो तो हो रहा है नकोल,
हो रहा है। हाँ भाई, अरे तो मोलर हीट कैपेसिटी सी और एम, मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू हीट अपॉन नंबर ऑफ मोल इंटू डेल्टा टी, ये तो फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, कैलकुलेट नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी, यानी हीट निकालना है भाई, क्यू कैलकुलेट करना है, तो सी एम एन इंटू डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा टी हो जाएगा टी टू माइनस टी वन, और कितना है 55 से, 55 माइनस 35 यानी 20, ये 20 हो जाएगा चेंज, और सी एम का वैल्यू कितना दिया भाई, 24, 24 जूल पर कैलविन पर मोल में है, नंबर ऑफ मोल कितना है, तो वही देखो 60 ग्राम एल्यूमिनियम है, 60 ग्राम एल्यूमिनियम इस नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या, मास अपॉन एटॉमिक मास, तो मास हो गया 60 और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, ये कितना हो गया भाई 60 अपॉन ये 24 नहीं 27 है ना, 27 और डेल्टा टी का वैल्यू 20, देखो कितना आता है आंसर, जो भी आएगा उसको किलो जूल में चेंज कर देना है, आप देखो कितना आ रहा है। वन पॉइंट ओके नकुल, वेरी गुड, 1.006 किलो जूल। ठीक है भाई, इसका आंसर आ जाएगा 1.09 किलो जूल है ना, 1.09 किलो जूल। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग सराउंडिंग कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग व्हेन वन मोल ऑफ एस टू ओ मोल ऑफ एस टू ओ लिक्विड फॉर्म में है इज फाउंड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन और
और डेल्टा नॉट एफ इक्वल टू, डेल्टा नॉट एफ मीन्स इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -286 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये तो ये डेल्टा एच मीन्स स्टैंडर्ड, ये क्या भाई, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा एच एफ। ठीक है, ओके। तो चलो, दिस इज फॉर, दिस इज होमवर्क, होमवर्क फॉर यू है ना, ये होमवर्क है, इसको आप कर लेना, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आज इतना ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी जो बचा हुआ थ्योरी है, इसमें अब ज्यादा नहीं है, है ना, जो बाकी बचा हुआ थ्योरी पार्ट है उसको कर लेंगे हम लोग, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलो ओके, बाय बाय ऑल माय डियर, फिर मिलते हैं हम लोग।